हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज के अस्पताल से लापता हुआ 3 दिन का बच्चा 15 घंटे बाद सिंधरी रोड पर मिला। बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में शुक्रवार तड़के लापता हुआ 3 दिन का नवजात देर रात सिंधरी रोड पर मिल गया। घटना के बाद से सुबह के शाम तक पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा की निगरानी में उनकी टीम बाड़मेर शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर तलाश कर रही थी। शुक्रवार शाम को ये लापता बच्चा सिंधरी रोड पर मिल गया। पूरे दिन सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। देर शाम सदर थाना पुलिस को फोन आया कि एक लावारिस नाबालिग मिला है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, बच्चा देखकर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर लेकर पहुंचे। बच्चे का डॉक्टर व उनकी टीम द्वारा इलाज शुरू कर दिया गया। बच्चे के मिलने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों की भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, राजकीय चिकित्सालय के PMO डॉक्टर BL मंसूरिया व पुलिस अधिकारी आनंद सिंह व सीमा चोपड़ा, कोतवाली थाना के ASI सुमन, उगम राज सोनी कोतवाल, मोहनी महिला कांस्टेबल, पुलिस कोतवाली थाना सदर थाना मौके पर पहुंचे। लापता बच्चे के मिलने पर परिवार व समाज में खुशी की लहर छा गई। देखो बच्चा अभी तो बच्चा हाइपोग्लाइसिमिया में लग रहा है और क्रिटिकली इल है, सुबह से उसको भोजन नहीं मिल पाया इसलिए, लेकिन हमारे पूरे प्रयास है कि बच्चा सुबह तक काफी अच्छा रिकवर कर लेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चा भी खतरे से बाहर है। मेरा घर सिंधरी चौराहे से 2 किलोमीटर सिंधरी की तरफ है। हम वहाँ से, मैं और मेरे मित्र हैं केसरम जी, भाई है मेरे, ये हम दोनों सिंधरी चौराहे की तरफ आ रहे थे तो पुलिस चौकी और सिंधरी चौराहे के बीच में ये सड़क पर हमें एक बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो हमने उस बैग को चेक किया, हो सकता है किसी माल का भरा हुआ हो। तो जब उसमें बच्चा मिला तो बच्चे की बात तो पूरे शहर में इन्फॉर्म थी, तो हमने पुलिस को फोन किया और 5 मिनट पुलिस पहुंच गई और हम उसे लेकर अस्पताल आए हैं। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।